नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली एक समय पर रिलेशनशिप में थे। दोनों सोशल मीडिया पर अपने प्यार को एक्सेप्ट कर चुके थे। सब सही चल रहा था कि तभी एक दिन नेहा ने सोशल मीडिया पर ब्रेकअप का खुलासा किया। इसके अलावा नेहा ने हिमांश पर कई आरोप भी लगाए। हालांकि हिमांश ने कभी ब्रेकअप पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन अब हिमांश ने ब्रेकअप पर खुलकर बात की और बताया कि आखिर क्यों वह इस टॉपिक पर बात नहीं करते। हिमांश ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में कहा, वो मेरा ब्रेकअप था, क्यों मैं उस बारे में पूरे वर्ल्ड को बताऊं? क्यों मैं सभी को बताऊं कि मेरे घर में क्या हुआ? क्यों इससे बाकी को फर्क पड़ता है? ब्रेकअप के बाद हिमांश को लेकर काफी नेगेटिव बोला गया, जिस पर हिमांश ने कहा, ये सब साल 2018 से हो रहा था, मैं अब नेहा को भी इसके लिए ब्लेम नहीं करता, वह मूव ऑन कर गई हैं, खुश हैं और मैं उनके लिए खुश हूँ, मैं अपने लिए खुश हूँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ और ज्यादा लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी 2018 में ही अटके हैं, जबकि हम 2021 में हैं। आप उसको लेकर कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने किसी के साथ गलत किया, लेकिन मुझे पता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। हिमांश ने कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं कभी चैन की नींद नहीं सो सकता, तो ये जरूरी नहीं कि मैं पब्लिक में जाकर अपनी बात रखूं कि क्या सही है और क्या गलत। हिमांश ने आगे पास्ट को लेकर कहा, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ किया, वह गुस्सा थी और उन्होंने कुछ पोस्ट किया। मैं गुस्सा था लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया। लेकिन अब कौन ज्यादा टॉक्सिक है? टॉक्सिक वो लोग हैं जो आप पर निशाना साधते हैं। मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मैं उनको लेकर कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता। वैसे नेहा अब रोहनप्रीत सिंह के साथ अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।